नमस्कार, इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं विकास गोस्वामी और इस वक्त हम लोग मुख्यमंत्री के शहर गोरखपुर में मौजूद हूं। बख्तीपुर इस जगह का नाम है और मेरे जस्ट पीछे जो जिस कैंपस में मैं खड़ा हूं उस कैंपस का नाम है इस्लामिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स। बख्तीपुर में यह जगह है और अभी अभी जस्ट थोड़ी देर पहले एक निर्माणाधीन बिल्डिंग गिरी है और सूचना जब तक हम लोग यह जब ये कवरेज कर रहे हैं तो कुछ लोगों के यहाँ पे दबे होने की भी सूचना मिल रही थी, क्योंकि यहाँ पे कुछ कर्मचारी भी लगे हुए थे और अब से मुझे लगता है कि कुछ घंटों की बात है ये बिल्डिंग अभी थोड़ी देर पहले ही गिरी है। और रेस्क्यू मैं आप कैमरा चारों तरफ घुमाइए, आप देख सकते हैं शासन प्रशासन के लोग यहाँ पे मौजूद हैं और NDRF की टीम भी यहाँ पे आ चुकी है। रेस्क्यू कार्य लगातार चल रहा है और ज़्यादातर रेस्क्यू मुझे लगता है कि लोग इन लोगों ने कर लिया है, लेकिन कुछ सवाल उठते हैं और वो सवाल उठने लाजमी हैं कि आखिर क्या ऐसा कारण था कि किस तरह से इसकी शटरिंग की गई थी कि ये निर्माण अभी कंप्लीट भी नहीं हो पाया और ये ढह गई। ये कई सारे सवाल हैं जो कि कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान खड़े करते हैं कि क्या सही से काम नहीं हो रहा था, क्या मानक के हिसाब से काम नहीं हो रहा था, यदि काम हो रहा था तो ये कैसे गिरा। ये तमाम सवाल है जिसका जवाब ढूंढना शासन प्रशासन के लिए एक चुनौती का विषय होगा। बहरहाल पुलिस प्रशासन के यहाँ पे लोग भी हैं, इनसे बातचीत करेंगे और अभी तक क्या क्या हो चुका है उसके बारे में जानेंगे। सर, इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए कि क्या क्या मतलब कि अभी क्या निकल के सामने आया, कोई वजह और वो सारी चीज़ें, मतलब कि किस कारण से ये गिरा ये कुछ पता चल पाया तो? यहाँ पर पोर्टिको बन रहा था, पोर्टिको का शटरिंग हुई थी, एका गिर पड़ी जिसमें दो मजदूर दब गए थे। एक मजदूर को NDRF और सब बचाव टीम के माध्यम से निकाल करके जिला अस्पताल मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। दूसरा मजदूर थोड़ी देर बाद निकाला गया है और उसकी शायद मृत्यु हो गई है और अब बचाव का इन लोग संपन्न करके जा रहे हैं और जैसी भी आगे होगा जाँच में जो निकल के आएगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। तो अभी सर के हिसाब से दो लोग यहाँ पे दबे हुए थे इस निर्माणाधीन बिल्डिंग में, जिसमें से एक लोगों की शायद मृत्यु का मतलब कि उसको जिस हिसाब से सर ने जवाब दिया शायद एक लोगों की मृत्यु हो चुकी है और दूसरे लोगों का जो है इलाज मेडिकल कॉलेज में उनको भेजा गया है, वहाँ पे उनका इलाज चलेगा। लेकिन फिर से वही सवाल है, सवाल यह कि आखिर क्या वजह थी जिसकी वजह से यह बिल्डिंग गिरी। अभी निर्माणाधीन थी, जो लोग यहाँ पे काम कर रहे थे, जो इंजीनियर काम कर रहे थे, चूँकि इस्लामिक स्कूल ऑफ कॉमर्स यह एक गोरखपुर का एक चर्चित कॉलेज है और यहाँ पे अगर कोई काम हो रहा था तो वो किस जिम्मेदारी के साथ हो रहा था और किन जिम्मेदारों के द्वारा हो रहा था, यह अभी एक सवाल है। और इसी सवाल के साथ एक जो अभी तक जो सूचना मिल पाई है वो ये है कि एक लोगों की मृत्यु शायद हो चुकी है, सर ने शायद लगाया इसलिए मुझे भी अभी शायद ही लगाना पड़ रहा है, और दूसरा जो व्यक्ति है उसका इलाज बताया जा रहा है कि चल रहा है, वो भी काफ़ी गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। बाकी कैमरे के उस पार से सहयोग कर रहे हैं आयुष ठाकुर, मैं विकास गोस्वामी और आप इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं। जय हिंद।